नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। आपका 12th मैन आना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखा है हमने इस पूरे श्रृंखला में काफी बढ़िया ये ट्रॉफीज उसके साथ, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, ऐसे काफी सारे किताब हम देते हैं। तो उस किताबों के लिए ये जरूरी है कि हमें बल्लेबाज या गेंदबाज का नाम पता होना, ये काफी जरूरी होता है। यश राजपुरकर कृपया समालोचना कक्ष मध्ये यायचंय। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आनंद, नॉन स्ट्राइक पे विजय। आनंद और विजय, हमें अगर नीलेश सर देखा जाए तो पुरानी डिंग डॉन्ग आनंद चौहान और विजय पावले, ये काफी बड़े दो नाम। गेंदबाज आकाश यहां पर राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने बड़े बल्लेबाज आनंद, पहली गेंद इस मरतबा। ओहो, अच्छी गेंद, यहां पर गेंद जाती है थोड़ी सी मिसफील्ड, और इसी के साथ एक रन, दूसरे रन की दरखास्त, और दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खराब फील्डिंग का मुजाहरा। दो से शुरुआत होती हुई यहां पर ध्रुव 11 उम्र टीम की। बढ़िया बल्लेबाजी, ओहो अच्छी गेंद इस मरतबा, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक भी रन नहीं जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी यहां पर गेंदबाजी आकाश द्वारा। फिर से एक बार आकाश तैयार। ओहो, इस मरतबा लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर केतन का इशारा यहां पर। जी हाँ, ये गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर, इस गेंद के ऊपर आपको एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगी। इस एक के साथ मेरे साथी स्कोरर प्रणय मुझे बताते हो कि स्कोर यहाँ पर 3 रन फॉर्चून इवेंट लाइन के माध्यम से। ओहो, इस मरतबा की गेंद हवा में, गेंद के नीचे, फील्डर यहां पर जज नहीं कर पाए, काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा। कुछ चिंचवड़ी काफी यहां पर थोड़े से धाकटी पंडरी काफी यहां पर निराश करते हुए। ओहो, अच्छी गेंद इस मरतबा, कैच छोड़ा है तो जरूर भुगतना पड़ेगा आपको, जुर्माना जरूर भुगतना पड़ेगा। 6 रन से किया स्वागत इस मरतबा बल्लेबाज आनंद। 6 किस, ग्यारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा आकाश का यहाँ पर समाचार लेते हुए बल्लेबाज आनंद। लेकिन हालांकि आकाश ने अपना काम किया था, तीसरे गेंद के ऊपर जरूर विकेट प्राप्त करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर खराब। ओहो, अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बटरफ्लाई स्टाइल में हमें अंपायर बता दे कि जी हाँ, ये गेंद भी काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, ये इस गेंद के ऊपर 1 रन अतिरिक्त जरूर मिल सकती है। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, काफी महंगा ये ओवर कहना होगा। ये गेंद मात्र अच्छी है, काफी बढ़िया गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी आपको करनी हो। गोल्डन स्पॉट के ऊपर अगर टप्पा गिरता है, गेंद में थोड़ा सा उछाल अगर आपको मिलता है, तो आपकी गेंदबाजी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी बढ़िया ये विकेट। मिथुन काय सांगतात, कॅप ओहो, यहाँ पर काफी बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीधी जाती हुई हमारे फॉर्चून इवेंट्स के कैमरा कक्ष में। 6 रन, इस 6 के बदौलत 1 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। मेरा साथी स्कोरर प्रणय और अंकित मुझे बताते हुए कि 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, काफी खराब गेंदबाजी, मैं कहूंगा खराब गेंदबाजी नहीं नीलेश सर, एक खराब फील्डिंग का मुजहरा है। जैसे ही एक आनंद का कैच छोड़ा, उसके बाद 2 छक्के आए, अगर कैच लिया होता तो काफी रन कम हो सकते थे, काफी फर्क दिखाई देता हुआ। कैप कैप मिथुन ला कैप द्या।
राज ने गेंदबाज दू छोरे से राइट आर्म राउंड द विकेट राइट आर्म राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार लेफ्टी बल्लेबाज। ओहो अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से खेला गेंद जाती हुई सीधी फील्डर के हाथों में आकाश जब तक गैदर करके थ्रो करेंगे तब तक एक रन आसानी के साथ जानते हैं विजय क्योंकि आनंद जैसे बल्लेबाज को अगर स्ट्राइक मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा वो रन बटोर सकते हैं। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा करते क्योंकि पिछले ओवर में हम लोगों ने देखा राज इस मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो अच्छी गेंद काफी बढ़िया यॉर्कर ऑफ साइड के बाहर यॉर्कर काफी बढ़िया माना जाता है। हालांकि टेनिस क्रिकेट का ये विश्व इस विश्व में देखा जाए तो 10 या 10 से कम रन्स देने वाला गेंदबाज काफी सफल गेंदबाज माना जाता है। सफल गेंदबाज में आपको मैं टेनिस क्रिकेट के कुछ नाम जरूर बताऊंगा। इस मरतबा उसी प्रकार की गेंद लेकिन इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार अंपायर बटरफ्लाई स्टाइल में बताते हो कि ये गेंद भी काफी ज्यादा बाहर है। इस गेंद के ऊपर एक अतिरिक्त रन मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के बदौलत रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। ओहो इस मरतबा यहां पर अच्छी गेंदबाजी काफी बढ़िया गेंदबाजी और विकेट का पतंग बल्लेबाज आनंद आउट होकर पैवलियन में वापस। दिली दिली तो अलीबत दिली और हमारे काफी करीबी दोस्त राज देसाई का आगमन। राज हम साथ साथ पढ़ते थे काफी बढ़िया एक खिलाड़ी भी है बीसीसी परली के और इस विकेट के साथ ध्रुव 11 उमरे की ओर से नए बल्लेबाज दिनेश ध्रुव 11 उमरे जो कि स्पॉन्सर्ड बाय प्रशांत जी सालुंखे की ये फेम टीम काफी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई इस मरतबा लेकिन आनंद जैसे बल्लेबाज का काफी बढ़िया ये स्ट्रोक कवर के दिशा में डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ये आता हुआ दिनेश के बल्ले से पहला चौका काफी बढ़िया यहाँ पर। हालांकि गेंदबाज की गेंद काफी अच्छी थी लेकिन बल्लेबाज की स्टाइल काफी बढ़िया क्योंकि देखा जाए तो कवर के दिशा में एक बढ़िया एक्सलेंट क्रिकेटिंग स्ट्रोक जिसे कहा जाता है वैसा ये स्ट्रोक हमें दिखाई देता हुआ। राज नाम की कई खिलाड़ी राज जैसे राज गोठनकर। ओहो बढ़िया गेंद बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा काफी ज्यादा तेज तर्रार गेंदबाजी 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे गेंदबाज। ओहो अच्छी गेंदबाजी काफी बढ़िया गेंदबाजी दो ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ दो ओवर के समाप्ति के बाद मात्र 24 रन। ऐसा लगा था कि आनंद जब बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लगा कि लगभग 50 से 60 रन का लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं क्योंकि पहले गेंदबाजी करते हुए आकाश के ऊपर हल्ला किया था 18 रन जोड़े थे उसके बाद ये काफी बढ़िया गेंदबाजी राज द्वारा सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं। ढीकू चिंसवी और ध्रुव 11 उमरे इन दोनों भी टीमें आपस में भिड़ती हुई क्योंकि काफी बड़ा मुकाबला ये इसके बाद शायद दूसरे राउंड का जो मुकाबला होगा जो ये टीम इनमें से कौन सी भी टीम अगर जीतती है उनके बीच और हेलो हेलो
बल्लेबाज विजय 0 फिर एक बार आकाश जिन्होंने पहला और काफी बढ़िया। ओहो इस मरतबा गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और इस मरतबा विजय साहिल काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजारा क्योंकि जानते थे इस विकेट का काफी महत्वपूर्ण है। अब ओपनिंग पारी पैवलियन में वापिस विजय और आनंद के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी होगी दिनेश और नए आए हुए बल्लेबाज रोहित के ऊपर। रोहित काफी टेनिस क्रिकेट में काफी नाम है, हम अक्सर देखते हैं कि काफी सारे बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में फेमस है जैसे रोहित नार्वेकर चतुर उसे कहा जाता है। ओहो फिर एक बार गेंद हवा में और गेंद के नीचे कॉटन बोल्ड, यहां पर खुद गेंदबाज आकाश दूसरी सफलता आकाश को मिलती हुई। दिनेश भी आउट जिन्होंने एक चौका लगाया था काफी बढ़िया कवर की दिशा में, लेकिन इस मरतबा कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होगी लेनी होगी रोहित और नए आए हुए बल्लेबाज अनिकेत। संगीन प्रीमियर लीग गोवा में चल रहे, कर्नाटका में भी काफी सारी टूर्नामेंट यहां पर जारी है तो क्रिकेट काफी बढ़ गया है नीलेश सर। पहले हफ्ते में फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब काफी बड़ी टूर्नामेंट एक ही जगह पर होती थी, वहां पर काफी तूफान हमें जश्न दिखाई देता था, लेकिन इस मरतबा हर एक एरिया में एक बड़ी टूर्नामेंट होती है। फिर एक बार आकाश तैयार गेंदबाजी के लिए, नए गेंद बल्लेबाज अनिकेत। ओहो अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश, गेंद आती हुई सीधी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजारा। जब तक फील्डर गैदर करके थ्रो करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने दो रन आसानी से मुकम्मल किए थे और टीम का स्कोर दो रनों की बदौलत 27 रन। और राकेश भोईर पाली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं उनका आगमन। ओहो अच्छी गेंद अच्छी एक शॉट, लेकिन यहां पर काफी बढ़िया फील्डिंग सचिन। स्कोर हुआ है 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, हालांकि जब आनंद काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा आकाश द्वारा क्योंकि देखा जाए तो पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे, उसके बाद ओहो हो सीधे बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, काफी बढ़िया स्ट्रोक। ये योगेश पेनकर की याद ताजा की, मुंबई प्रीमियर लीग में हम बिग बैश में हम लोगों ने देखा कि क्या 22 गेंदों पे 88 रन की पारी खेलती, उसी आखिरी गेंद के ऊपर जो स्ट्रोक आया था योगेश पेनकर के उसी प्रकार का स्ट्रोक इस मर्तबा बल्लेबाज तेजस द्वारा। प्रताप फिटनेस चे ओनर माननीय श्री प्रताप साहेब काळभोर यांचं आगमन इथे झालं, त्यांना विनंती असेल की
आणि प्रवीण दादा पारवे यांचं सुद्धा आगमन इथे झालं, तर त्यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचंय. ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर काउ कॉर्नर की दिशा में, काफी बढ़िया गेंद गेंद थी इस मरतबा, लेकिन अच्छे से स्टीयर किया सचिन द्वारा, काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा. एक रन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तो है इस टूर्नामेंट में. टीम का स्कोर 35 रन. ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर, नो मैन स्लॉट में गेंद गिरती हुई, गेंद जाती हुई सीधी, एक बाउंस वन बाउंस हाथों में, जब तक एक रन दो रन का यहाँ पर रनआउट का मौका था, लेकिन और प्रणय राजपूत को अगर आप देखोगे तो दुबले हो गए इन 3 दिनों में, इतनी मेहनत. ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद, गेंद जाती हुई वन बाउंस सीमा रेखा बाहर, 4 रन. खराब फील्डिंग का मुजाहरा, जैसे ही मैं प्रशंसा करता हूँ फील्डरों की तब थोड़ी सी मिसफील्ड करते ये फील्डर. अक्षय की पहली गेंद छक्का लगाया था, उसके बाद मानो थोड़ी सी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस अच्छी गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन खराब फील्डिंग जरूर हुई इस मरदा. अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद हवा में, काउ कॉर्नर डीप में, यहाँ पर थोड़ी सी फिर एक बार खराब फील्ड. ओहो काफी बढ़िया विकेट कीपिंग, काफी बढ़िया एमएस धोनी स्टाइल, क्या विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया है मयूर पाटिल, काफी बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा मयूर पाटिल द्वारा, एक बढ़िया विकेट कीपिंग का प्रदर्शन दिखाई देता हुआ. फोर्टी टू रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तो दो छोर एंड परली एंड की तरफ से नए गेंदबाज राजेश यहाँ पर राइट आर्म उर्द विकेट गेंदबाजी खेलते हैं, उनके सामने रोहित और नीलेश की जोड़ी. स्कोर 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, हालांकि लगभग 50-55 रन करना काफी जरूरी है, क्योंकि ये अगर विकेट और ग्राउंड का मुजाहरा अगर देखा जाए तो चेस करना काफी मुश्किल होता है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ओहो आगे आने कर खेलने की कोशिश और बढ़िया विकेट कीपिंग मयूर पाटिल द्वारा, काफी बढ़िया. तो यश यहां पर काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, कल एक मेडन ओवर डाली थी यश ने, हालांकि आखिरी के हैट्रिक लगाई थी और 49 रनों की पारी नए बल्लेबाज शुभम. तो नीलेश सर काफी बढ़िया प्लेयर हमें दिखाई देते हैं ऐसे टूर्नामेंट में, हालांकि ऐसी टूर्नामेंट होना काफी जरूरी है क्योंकि ग्रामीण प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका मिलता है अपना प्रदर्शन करने का और अपना दमखम दिखाने का, तो ये टूर्नामेंट काफी जरूरी होती है. और पारली के इस मैदान पे, ये दोनों भी मैदान पे काफी बढ़िया हमें हर मर्तबा मैचेस दिखाई देते हैं, काफी बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर दिखाई देता है. और अंकित जिनकी अभी अभी शादी तय हुई है काफी बढ़िया
काम करते हैं अंकित पूरी फॉर्चून इवेंट की टीम। काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी बढ़िया गेंद, ये बेहतरीन यॉर्कर, काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज राजेश द्वारा, काफी बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि नए बल्लेबाज काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, हालांकि ज्यादा मौके नहीं दे रहे बड़े शॉट लगाने का, देखा जाए तो स्कोर यहाँ पर थमसा गया जब तक आनंद और दिनेश काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उसके बाद तेजस ने काफी बढ़िया शॉट खेले थे, लेकिन उसके बाद के जो बल्लेबाज थोड़े से धीमे नजर आते हुए। ओहो, पॉइंट के ऊपर से ये जरूर काफी बड़ा स्ट्रोक आएगा, 4 रन तो जरूर आएंगे। काफी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज शुभम द्वारा, नीलेश द्वारा काफी बढ़िया बल्लेबाजी का उजर। और एक अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच में मजा आएगा, क्योंकि 5 ओवर के इस मैच में काफी ज्यादा से ज्यादा 50 और 60 रन काफी फाइटिंग टोटल हो सकता है। और हमारे अंकित काफी चतुर, ओहो हो, अच्छी गेंद, गेंद जब तक जाती अक्षय के हाथों में जा, काफी बढ़िया थ्रो, क्या थ्रो है, काफी बढ़िया, ओहो हो, काफी अच्छी विकेट कीपिंग, बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजारा, 1+1 विकेट। मिथुन लांगी और केतन पोपट काफी मंझी हुई अंपायर इस पूरे श्रृंखला में। स्कोर कार्ड के ऊपर नीलेश सर 50 के ऊपर स्कोर आना जरूरी था, क्योंकि विकास तो आखिरी गेंद इस इनिंग का, आखिरी गेंद के ऊपर ज्यादा से 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओहो, बढ़िया गेंदबाजी और अंपायर का इशारा इस पारी का खात्मा, इस इनिंग का खात्मा, इस जीतने के लिए देखा जाए तो 50 रन 5 ओवर में, लगभग 10 का एवरेज, तो आगे का आंखों देखा हाल। हेलो हेलो, तो आगे का आंखों देखा हाल। हेलो हेलो, आपको नीलेश जी नाइक साथी कमेंटेटर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शिव शक्ति चषक 2020 में।
पहले दौर का यह आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। दो बड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई हमें नजर आ रही है। उनचास रनों का टारगेट सेट किया है, 50 रनों तक पहुंचना होगा। रन मांकुर बने हैं, काफी तेज गेंदे की है और अच्छी विकेट कीपिंग भी हमें नजर आ रही है। ध्रुव 11 यानी कि प्रशांत सालुन के फेम टीम बनाम ढाकटी पंडरी पंचक्रोशी विभाग के बीच का ये आखिरी मुकाबला पहले दौर का। 50 रनों का निर्धारित लक्ष्य है, 5 ओवर में 10 रन प्रति ओवर जोड़ने होंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है शाम के समय पर आपको चेसिंग करना। तो तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और उतना भी बढ़िया स्वागत यूट्यूब पर फॉर्चून इवेंट्स द्वारा। तमाम दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, कोई पुणे से देख रहे हैं हमारे भाविन भाई मजेठिया, उन्हीं के साथ प्रतीक थड़े पनवेल से देख रहे हैं, हमारे संदेश शेवाड़े पाली से देख रहे हैं। तो कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहीं ना कहीं कोने में बैठकर अपने नज़दीक की इस प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल देख रहे हैं। उन तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अभिषेक और प्रणय राजपुरकर और अंकित जी, इनका भी स्वागत करेंगे। रिजवान जो कि हमारे पाली क्रिकेट एसोसिएशन के पिछले 5 साल से खजींदार पद को बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं, उनका भी स्वागत रहेगा। तो चलिए बैक टू द क्रिकेट। 10 रन प्रति ओवर अब सामने लेकर उतरी है टीम बल्लेबाजी के लिए। आकाश एक ही आकाश तारेकर बाइकर मैन ऑफ रायगढ़, एक कमाल के धाकड़ बल्लेबाज, हमेशा आदर्श ट्रॉफी में भी बहुत बढ़िया खेले। और ढेको की तरफ से आकाश और संदेश, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, और यही देखकर भारतीय जवान भारतीय किसानों के नाम हम आज मान वंदना देंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देकर आज के इस पहले दौर के अंतिम मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं। दिगंबर पवार सर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। पारी की पहली ओवर लेकर तैयार तेजस, भारत का सबसे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सामने आकाश, शॉर्ट पिच गेंद पीछा किया और कवर पॉइंट पर इस गेंद को खेला, लेकिन दायरे के अंदर बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं। केतन जी पोपट बॉलर, इनके अंपायर और हमारे ओनर और हमारे आयोजक मिथुन लांगी स्वयं स्ट्राइकर इनके अंपायर। दायरे के बाहर दो खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट मिड ऑन, एक कवर पॉइंट, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर लेग। शॉर्ट पिच गेंद अपर कट सहवाग स्टाइल, कवर पॉइंट के खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन गेंद को जैसे तैसे उन्होंने रोका। दो रन पूरे किए और दो के साथ सफर की ओर निकल पड़े हैं। रास्तों का बुरा मानेंगे तो मंजिल बुरा मानेगी। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, आपको मंजिल तक जाने के लिए वो कोशिशें जारी रखनी होगी। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस बार अपरकट का दूसरा शॉट, दो अपरकट पर दो डबल्स आते हुए, कमाल की पारी आकाश की। आकाश ने 3 गेंदों का सामना किया है, व्यक्तिगत 4 रन संख्या पर वो खेल रहे हैं। रन मांकुर बार नो बॉल, ओके फ्री डसल नहीं मां, नो बॉल और ये फ्रीट। आकाश फ्रीट का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पुल किया बाहरी किनारा, लेकिन गेंद काफी तेजी के साथ लॉन्ग स्टॉप पर जाती हुई, उतनी बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए, जरूर 2 रन रोके शॉट फाइन लेके फील्डर ने, और इस 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन एक एक्स्ट्रा के रूप में। ऑन साइड की अगर हम जाली टटोले तो ऑन साइड का जो दायरा है वो थोड़ा सा नजदीक है, 45 मीटर की बाउंड्री है और वहां पर छक्के दागना आसान है फाइन लेग और स्क्वायर लेग पर। पटकी हुई गेंद और ये नो बॉल,
ओ प्लस वन यानी कि ये दो रन आते हुए खाते में। अच्छी अंपायरिंग, पता है कि एक बाउंस चलता है लेकिन आप बार बार बाउंसर करेंगे तो सचिन तेंदुलकर की याद, कुछ भी डाल लेकिन बाउंसर मत डाल। फ्रीट अब बाएं हाथ के बल्लेबाज संदेश स्ट्राइक रेंज पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज हालांकि काफी आक्रामक होते हैं। फ्री हिट है, सुमित ढेकले को हम देखते हैं, योगेश पवार, समर्थ कड़ू। फ्री हिट आइटम राउंड विकेट, फुलर लेंथ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये आया बीएसएनएल सिक्सर कनेक्टिंग परली। कमाल की वापसी, छह रन आने के बाद बिंदी गेंद और 15 रन आते हुए आखिरी गेंद का खेल शेष। 50 रन बनाने होंगे निर्धारित 5 ओवर में, तो अब तक 15 तो आ चुके हैं, 35 की अब भी दूरी है, 35 रन और जोड़ने होंगे। शॉर्ट पिच गेंद आ गया है, स्टीयर किया था कवर पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन तब तक दो की मांग और दो रन पूरे और इसके साथ सीमा रेखा पार, गानों में चित्रहार ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन चार, और चार के साथ इस ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट खोए 19 रन, कमाल की शुरुआत ढेकू द्वारा। डाक्टरी पंडरी पंचकृषि विभाग द्वारा कमाल की पारी, बिना विकेट खोए 19 रन, 122वां चौका लगा है आज के पूरे 3 दिन का। 119 सिक्स आए हैं क्योंकि बीच बीच में वो जो लाइट गई थी उसी लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, दो बार कनेक्शन कट हुआ था। पारी की दूसरी ओर लेकर आनंद, आनंद को अब ब्रेक थ्रू दिलाना होगा, अगर मैच में जमे रहना है, बने रहना है तो उनको अब विकेट चटकाने होंगे। 24 गेंदों का अब खेल शेष है और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। चौबीस गेंदों पर 31 रनों की जरूरत है, अब ब्रेक थ्रू दिलाना होगा। क्या ये बनेंगे जसप्रीत बुमराह, क्या ये बनेंगे भुवनेश्वर कुमार? विकेटों की जरूरत है यहां पर, रनों को रोकने के बजाय विकेट अगर गिरते हैं तो मैच में वापसी कर सकती है टीम ध्रुव 11। और ये 4 रन फाइन लेग पर, और इसी के साथ एक और बड़ा शॉट आता हुआ। आपको फुल टॉस नहीं डालनी होगी, फुल टॉस जब भी डालते हैं आपको आप में तो कोई भी खिलाड़ी आराम के साथ दायरे के बाहर इस गेंद को मार सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, अब कुछ ना कुछ करना होगा, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि अभी तो मौका है, दस्तूर भी है और दर्शक भी है। ऑन बोर्ड विदाउट लॉस, अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव और रन आउट का मौका था। अरे बाप रे, ये मौका तो ऐसी बात है जिसे मिला वही आगे जाएगा। आसिफ भाई माड़कर, सागर गोलप, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अखिल भाई माड़कर ने भी बहुत शुभकामनाएं सुबह के सत्र में भेजी और आसिफ भाई का भी शुभकामनाएं। अब बाएं हाथ के एक खुबा बल्लेबाज मैदान पर, सैंडी उर्फ संदेश। फुल टॉस और कबूल किया, जहां बना तोहफा कबूल करो, दोनों हाथों से बटोरा 6 रन। अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। ढेकू के बल्लेबाज क्या कमाल की पारी खेल रहे, कितने रन, 30, जीतने के लिए मात्र 20 रनों की जरूरत।
लेकिन ध्रुव 11 उमरे की मैं कहूंगा खराब गेंदबाजी। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गेंद मिड विकेट पर, अच्छी फील्ड, सिंगल मिलेगा। फील्डिंग बढ़िया हो रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है अनुमान के मदद से, लेकिन गेंदबाजी ज्यादा फुलर लेंथ की हो रही है। संदेश पाटिल, ये नो बॉल। संदेश पाटिल अगर लगातार 3 छक्के दागते हैं तो उनके लिए 501 रुपए का इनाम। अंकित पाटिल इनकी ओर से। कमाल का घुटना टेक, ये शॉट स्क्वायर लेग पर, खराब फील, टांगों में से दरार, लेकिन गेंद दायरे के अंदर ही रही है, ये अच्छी बात है। 2 रन मिलते हुए, अच्छा थ्रो, केतन जी पिछला पिछली गेंद नो, ओके ओके और फ्री हिट, ओके ओके। अच्छा स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, दर्शकों को मान वंदना, लंबा छक्का, बॉल वापस भी आ चुका है तो ये अच्छी बात है। 40 रन स्कोर बोर्ड पर, मात्र 10 रनों की जरूरत है। अब आखिरी गेंद का खेल शेष, 40 रनों की पहले विकेट के लिए नाबाद साझेदारी। घुटना टेक, स्लॉक स्वीप का छक्का, ये तो भिवंडी के वंडर बॉय जेपी की तरह स्लॉक स्वीप लगा रहे हैं, कमाल का स्लॉक स्वीप। 46 रन और 4 की दूरी। पूरे इस शिव शक्ति झशक परली को अखिल महाड़कर, आसिफ महाड़कर, सागर गोलभ, संकेत तामणकर, उसी के साथ मंगेश यादव, प्रवीण थड़े, अभिजीत गड़गे, इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। उसी के साथ एजू पानसरे, संदेश शेवाड़े, धनंजय धनु यानी कि हमारे मावड़ा, इन्होंने भी शुभकामनाएं ठाणे से भेजी है। और भाविन भाई मजेठिया, मैन फ्रॉम पुणे। चार रनों की जरूरत, मैच ऑन, बैट्समैन बॉलर नाव रे, विजय मुसरे, इसी के साथ इस 50 रनों की ताबड़तोड़ और नाबाद इनिंग बिना विकेट खोए, कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? 52 रन आए हैं, आकाश, नो डाउट आकाश, आप कहीं मत जाइए, आइए टॉस के लिए भी आइए और मैन ऑफ द मैच के लिए आइए प्लीज। शिवा दळवी, आपण कुठे असाल तर आपण संपर्क करायचा आहे शिवा दळवी, प्लीज।